हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएल सोशल एकेडमी। टुडे वी स्टडी द सेकंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी ऑफ एर्थ क्लास, लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर का नाम ही इतना बड़ा है तो सोचिए चैप्टर कितना बड़ा होगा। मत सोचिए चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। आने वाली क्लासेस के लिए और आने वाले आपके चैप्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देरी ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, इस चैप्टर में आखिर है क्या 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 चीज़ें हैं, ओवरव्यू लो। एक है लैंड के बारे में देखना है अपन को, एक अपन को सॉइल के बारे में देखना है, एक वाटर के बारे में देखना है और अपन को नेचुरल वेजिटेशन के बारे में देखना है, ठीक है ना। अब अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहली चीज़, लैंड रिसोर्स। आपको मालूम है लैंड रिसोर्स इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स, पहला पॉइंट, ठीक है ना। इसके बाद में दूसरी चीज़, इट इज़ अ फिक्स रिसोर्स। ये फिक्स रिसोर्स है, ये कभी ना ज़्यादा होता है ना कभी कम होता है, ठीक है। इसके अंदर चेंजेस ज़रूर आते हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन और वेदरिंग कंडीशन, है ना। इसमें चेंजेस आएंगे समय के साथ में, वेदरिंग कंडीशन के साथ में इसमें क्या चेंजेस आते हैं, लेकिन ये एक तरीके से फिक्स रिसोर्स है। एक नेचुरल रिसोर्स हो गया, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स है, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ अपन इसके अंदर देखेंगे कि आखिर जब आपने देखा कि भाई ये ग्लोब है, ये अपना पूरा अर्थ है, ठीक है ना, ये अर्थ है। वाह, अच्छा डायग्राम बन गया। ये अर्थ है, अर्थ का जो है वन थर्ड पार्ट, कितना, वन थर्ड पार्ट किससे कवर है, सिर्फ लैंड से कवर है। कितना, 30% पार्ट जो है वो लैंड से कवर्ड है और बाकी जो पार्ट है वो किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है, जिसको अपन ओशन बोलते हैं, वो वाटर रिसोर्स में पड़ेंगे। लैंड से कितना पार्ट कवर्ड है, 30% लैंड से कवर्ड है। और कितनी परसेंट पॉपुलेशन लैंड पे रहती है, 90% पॉपुलेशन जो होती है लैंड पे रहती है ना। अब अपन बोलेंगे व्हाट इज़ एक्यूमाइन। एक्यूमाइन क्या होता है, एक टर्म है, इसको याद करना है बस, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ना। एक्यूमाइन क्या होता है, जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, जहाँ पर पॉपुलेशन है किसी पर्टिकुलर एरिया में, जहाँ भी पॉपुलेशन रहती है उसको एक्यूमाइन बोलेंगे, है ना। और नॉन एक्यूमाइन प्लेस मतलब कि जहाँ पर पॉपुलेशन नहीं है, मतलब जो जगह खाली है, तो वो कौन सी एरिया हो गया, नॉन एक्यूमाइन एरिया हो गया। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई, जैसे डेजर्ट वाला एरिया, जैसे फॉरेस्ट वाला एरिया, वहाँ पर कौन सी पॉपुलेशन रहती है, नहीं ट्राइबल पॉपुलेशन जरूर रहती है, आदिवासी लोग रहते हैं लेकिन बहुत माइनॉरिटी, बहुत कम क्वांटिटी में रहते हैं, उनकी जो काउंटिंग होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है ना। लेकिन समय के साथ क्या हुआ है, मैंने आपको बोला है कि समय के साथ चीज़ें हमेशा चेंज होंगी, टाइम के साथ हमेशा चीज़ें चेंज होती है, ठीक है ना। आप मेरे साथ बने रहिए, टाइम के साथ आपका दिमाग बिल्कुल एकदम सोशल में इतना ज़्यादा चेंज रहेगा, इतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट आ जाएगा कि मैं, मतलब आप बोलोगे कि सर सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है ना। बस आप टाइम के साथ मेरे साथ बने रहिए, टाइम के साथ आपके अंदर भी चेंज आएगा। और यहीं पर यह हुआ, आपने लैंड रिसोर्सेज का यूज़ इतना कर दिया, ह्यूमन रिसोर्स, अपन लोगों ने लैंड रिसोर्स का इतना यूज़ किया, इतना यूटिलाइजेशन किया कि इसके अंदर क्या होने लगा, डिग्रेडेशन होने लगा, लैंड के अंदर क्या होने लगा, चेंजेस आने लगे, इसकी क्या होने लगी, फर्टिलिटी गिरने लगी। मैं कहूँ इसके जो आपने, इसके अंदर जो पावर थी उसको आपने क्या करा, कम कर दिया। इसके अंदर जो क्वालिटी थी वो क्या कर दिया आपने, कम कर दी, वो अपनी पर्टिकुलर बेसिक नीड्स की वजह से, है ना, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, ठीक है ना। तो लैंड रिसोर्स का क्या हुआ, डिग्रेडेशन हुआ। लैंड रिसोर्स का क्या हुआ, डिन्यूडेशन हुआ। उसके अंदर क्या हुआ, गायब होने लगे रिसोर्सेज, क्या होने लगे, कम होने लगे, उसकी क्वालिटी कम होने लगी। अब लैंड रिसोर्स अगर खत्म हुआ है तो आप हमेशा ज्योग्राफी में, सोशल में एक चीज़ पढ़ोगे कि कोई चीज़ खत्म हुई तो उसको बचाएंगे कैसे, कोई चीज़ खत्म हुई है तो उसको बचाएंगे कैसे। साइंस भी यही है, कोई चीज़ चेंज हुई है तो उसको चेंज वापस से कैसे करेंगे, है ना, वो रिएक्शन वापस से चेंज होगी कि नहीं होगी। आप साइंस में पढ़ोगे कि अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो वो वापस से आप सही करोगे कैसे, ठीक है ना। सोशल में भी यही चीज़, जब लैंड रिसोर्स का आपने क्या करा, बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन कर दिया, उसको ख़राब कर दिया, तो लैंड रिसोर्स को वापस से वैसा का वैसा, क्योंकि आज से 500 साल पहले लैंड रिसोर्स अलग टाइप के थे, आपके पास काफ़ी टाइप में, काफ़ी वाइड वैरायटी में आपके पास फॉरेस्ट हुआ करते थे, काफ़ी वाइड वैरायटी में आपके पास क्या एनिमल्स हुआ करते थे, लेकिन क्यों, आपने यूज़ करा, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्री फैक्ट्रियाँ डालने लगी, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को काटा गया, तो इस वजह से क्या करा गया, लैंड रिसोर्स का क्या हुआ, खात्मा हुआ, कम हुआ वो, तो उसका क्या करा अपन, अब करेंगे कंजर्वेशन, कि आखिर उसको बचाएंगे कैसे, लैंड रिसोर्स है जो 30%, उसको बचाएंगे कैसे। लैंड रिसोर्स को 30% को अपन कैसे बचाएंगे, सबसे पहली चीज़, आपने जो पेड़ काटे हैं एक ही चीज़ बार बार, आपने डिफॉरेस्टेशन किया है तो क्या करो, एफॉरेस्टेशन, पेड़ों को लगाओ। डिफॉरेस्टेशन किया है तो क्या करो, एफॉरेस्टेशन। दूसरा पॉइंट, आप क्या करो, जो केमिकल यूज़ कर रहे हो,
एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में जो पेस्टिसाइड्स जो केमिकल यूज़ कर रहे हो, मैं बोलूँ सिंथेटिक केमिकल मतलब मैन मेड केमिकल जो अपन ने बनाया, नेचुरल केमिकल यूज़ करोगे जिसको बोलते हैं अपन मैन्योर, उस मैन्योर को अगर यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। खाद जिसको बोलते हैं, जो अपन बोलते हैं कि हाँ जो ह्यूमस हो, मतलब वो बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, वो नेचुरल होते हैं। लेकिन अपन क्या करते हैं आजकल सोइल की फर्टिलिटी भाई छोटे से एरिया में ज़्यादा ज़्यादा क्रॉपिंग प्रोडक्शन होने लगे तो अपन क्या करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से लैंड रिसोर्स में क्या आता है कमी आती है, लैंड रिसोर्स की क्वालिटी कम होती है, ठीक है ना। और वो जब आपने डाला फिर वो पानी में गया, फिर उसकी रूट्स में गया, वो प्लांट्स को आपने क्या करा यूज़ करा, तो वो आपके अंदर भी कोई ना कोई डिजीज़ कॉज कर सकता है। यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई? तो केमिकल क्या केमिकल रिसोर्स केमिकल पेस्टिसाइड्स का क्या करना है, कम से कम यूज़ करना है। दूसरी चीज़ क्या होता है, आपको मालूम है कोई प्लांट को ग्रो करने में काफ़ी वक्त लगता है, 1-2-3 साल लग जाते हैं। और वहीं पर क्या करते हैं बड़े बड़े ग्रेजर्स जो होते हैं, बड़े बड़े जो चरवाहे होते हैं जो क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने जानवरों को भेड़ बकरियों को क्या करते हैं वहाँ से वहाँ चराएंगे, तो ये क्या करते हैं ग्रेजिंग कराते हैं। लेकिन इसी को क्या करना है मिनिमाइज़ करना है, ओवर ग्रेजिंग को क्या करना है मिनिमाइज़। तो दो चीज़ों को मिनिमाइज़ करना है, एक तो केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना, दूसरा ओवर ग्रेजिंग को करवाना, उसको भी मिनिमाइज़ करेंगे। ये लैंड रिसोर्स समझ में आया, लैंड रिसोर्स क्या है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि अपन यहीं पर सर्वाइव करते हैं, वाटर में अपन सर्वाइव नहीं कर सकते। उसके बाद में कर सकते हैं लेकिन उसके लिए कंडीशन बहुत ज़्यादा अलग अलग होंगी, उसके लिए चेंजेस बहुत ज़्यादा लाने पड़ेंगे। अब एक फैक्टर है लैंड के बाद अपन जाएंगे सीधे किस पे, सॉइल पे। अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, लैंड अलग टाइप का पार्ट है इस चैप्टर में और सॉइल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है पेपर में, या तो आप अभी देख लीजिए या आपके आने वाली क्लासेस में देख लीजिएगा। सॉइल और लैंड दोनों अलग अलग फैक्टर हैं। लैंड मतलब कंप्लीट एक लैंड रिसोर्स जो कि पूरा पार्टीशन कवर करता है, मान लो ये पूरा अंदर का पूरा लैंड रिसोर्स अंदर का पूरा पार्टीशन कवर करता है। लेकिन सॉइल क्या है, सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ क्रस्ट, अपर मोस्ट लेयर ऑफ क्रस्ट, मैं कहूँ अपर मोस्ट लेयर ऑफ क्रस्ट या फिर अपर मोस्ट लेयर ऑफ लैंड, ठीक है ना। अपर मोस्ट क्रस्ट आपको मालूम है ना, आपने 7th क्लास में पढ़ा है, तीन टाइप पिछले वाली क्लासेस में तीन टाइप की लेयर होती है अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल और अंदर अंदर कौन सी है कोर, है ना। तो क्रस्ट की सबसे अपर मोस्ट लेयर कौन सी है, सॉइल। अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक पतली सेंटीमीटर सॉइल को बनने में बेटा सैकड़ों साल लग जाते हैं। यूँ नहीं है कि 1-2 साल में पतली सी सॉइल बन जाती है और आप क्या करते हैं फटाक से सॉइल को इधर से उधर यूज़ कर दिया, फटाक से सॉइल क्या हो गया, आपने क्या कर दिया सॉइल का, कैसे सॉइल का आपने क्या करते हो, बिल्कुल आप सॉइल का बिल्कुल एकदम से क्वालिटी उसको कम करते हो, सॉइल का डिन्यूटेशन करते हो। सॉइल डिन्यूटे, सॉइल इरोजन के क्या कारण, मतलब सॉइल कैसे किसी पर्टिकुलर जगह से सॉइल हट जाती है ना, उसके रीजंस क्या क्या है। देखो लैंडस्लाइड, भूस्खलन जो बोलते हैं जो हिली एरियाज में आता है, लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है ना। मैं पर्टिकुलर यहाँ पे लिखता हूँ, एक हो गया लैंडस्लाइड, ठीक है ना। उसके बाद में एक हो गया फ्लड, फ्लड आएगा भाई सुनामी आएगी जिसकी वजह से पानी बहुत तेज़ी से आएगा तो वो पर्टिकुलर जगह की एरिया की सॉइल को क्या करेगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा तो पर्टिकुलर एरिया की सॉइल तो हट गई वहाँ से, ठीक है ना। अब सॉइल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, देखो भाई मेरी बात सुनना, है ना, आपकी जो बॉडी है वो बहुत सारे पार्ट से मिलके बनी है, ठीक है ना, ब्लड हो गया, बोन्स हो गई, मसल्स हो गए, तो बहुत सारे पार्ट से मिलके बनी है। तो मैंने बोला सॉइल जो है उसको अपनी बॉडी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर जो होंगे वो अलग टाइप के होंगे, ऐसे ही सॉइल जिससे बनी है तो उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर अलग होंगे। मुझे सीधी सी बात बताना कि सॉइल जो है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे जिससे सॉइल बनी होगी। तो सबसे पहली चीज पेरेंट रॉक, किस तरह की पेरेंट रॉक है, मतलब जैसे मान लो कि ये सॉइल है, नीचे किस तरह की रॉक है उस पर भी डिपेंड करेगा कि वो सॉइल कैसी होगी, उसका टेक्सचर डिसाइड करेगा कि सॉइल कैसी। अलग अलग टाइप की रॉक होगी तो ऊपर सॉइल जो होगी अलग टाइप की होगी ना, ठीक है ना। तो सॉइल एक किस पे डिपेंड कर रही है, पेरेंट रॉक पे। एक सॉइल डिपेंड करती है क्लाइमेट पे, कि किसी पर्टिकुलर राजस्थान में चल जाओगे तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, ठीक है ना, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, वहाँ पर रेनफॉल नहीं है, तो इसका वहाँ पर क्लाइमेट क्या है, वहाँ पर सूखा एरिया, तो वहाँ पर सॉइल अलग। वेस्टर्न घाट वाले एरिया में चल जाओगे या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चल जाओगे तो वहाँ पर पानी ज़्यादा गिरता है, तो वहाँ पर क्या कंडीशन है कि भाई वहाँ पे वहाँ की सॉइल अलग है। तो क्लाइमेट पे भी सॉइल डिपेंड कर रहा है। उसके बाद टाइम,
टाइम मतलब मैं बोलूँ कि ये सॉइल जो है 50 साल 100 साल पहले अपन एक पर्टिकुलर सॉइल को देखेंगे और एक दो सॉइल के सैंपल लेंगे, ये सॉइल 100 साल पुरानी, ये सॉइल 200 साल पुरानी है, तो कहीं ना कहीं ये सॉइल अलग टाइप की होगी और ये सॉइल अलग टाइप की होगी ना, तो टाइम पे भी सॉइल क्या है डिपेंड करती है। उसके बाद में फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मैं बोलूँ कि पर्टिकुलर किसी एरिया में बहुत बड़े बड़े पेड़ है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है ना, और वहाँ पे एनिमल बहुत वाइल्ड एनिमल बहुत सारे हैं, मतलब वहाँ पे टाइगर भी, लायन भी, बड़े बड़े एनिमल्स हैं, तो वहाँ की सॉइल अलग होगी। और मैं बोलूँ आपको, बोल दूँ कि राजस्थान वाले एरिया में चल रहा था, वहाँ पे कैक्टस वाले प्लांट है, ठीक है ना, वहाँ रेप्टाइल्स वाले एनिमल्स हैं, तो वहाँ की सॉइल अलग टाइप की है, तो फ्लोरा और फौना पे भी अफेक्ट करता है। लास्ट इसका मैंने बोला रिलीफ, रिलीफ मतलब वहाँ का स्लोप कैसा है, ढलान, मतलब मैं बोलूँ अगर घाट वाला एरिया है, मतलब मैं बोलूँ अगर प्लेट्यू वाला एरिया है तो अलग टाइप की सॉइल होगी, वहीं मैं बोलूँ आपको हिली एरिया है तो अलग टाइप की सॉइल होगी, और वहीं पर मैं आपको बोलूँ प्लेन्स वाला एरिया है तो सॉइल अलग टाइप की होगी। तो ये पांचों फैक्टर क्या हैं, सॉइल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर है। ये हुआ अपने पूरे फर्स्ट पार्ट में सारी चीज़ें क्लियर कि आखिर लैंड क्या होता है, लैंड का कंजर्वेशन कैसे करते हैं, सॉइल क्या होती है, सॉइल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। अगले पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में अपन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे अच्छे से, सॉइल कंजर्वेशन देखेंगे, उसके बाद अपन वाटर देखेंगे, नेचुरल वेजिटेशन देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।